रैंक वन का उम्मीद तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि पिछले बार अगर 52 आया था तो इस बार 40-30 के आसपास कुछ ना कुछ टक जाएगा। और मेरा बच्चों को ये सुझाव है कि लगे रहना है, ये एक साइकिल होता है, मतलब हार कभी नहीं मानना चाहिए। कि एक बार विद्यार्थी के तो मेहनत करना ही होता है, पढ़ना तो उसी को होता है, जी लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका उसके अभिभावक का भी अपने होता है। आप देखिए, रोमांच हो आ गया हाँ कि इतनी बड़ी सफलता जो है जी हमारे पास आ गया है। तो अभी हम जो अभी बिहार बीपीएससी 67 का रिजल्ट अभी कल प्रकाशित हो चुका है, तो इसमें जो है अमन आनंद जो है प्रथम रैंक उनको मिला है, और एज SDM अब वो बिहार को सेवा देंगे। पहले भी इनकी बीपीएससी 65 में एज 66 में एज RDO उनका चयन हुआ है, लेकिन इस बार प्रथम रैंक लाके सबको जो चौंकाया है। और पटना के ही, पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर बाढ़ के आसपास, बाढ़ के पास में बैठना गांव है, वहां से बिलोंग करते हैं। तो अभी उनके हम लोग गांव आ चुके हैं। सबसे पहले सर को ढेर सारा बधाई बहुत बहुत और धन्यवाद शुभकामना। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आप जो है अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर भगवान को देना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद था, फिर माता पिता का आशीर्वाद था, हमारे जी बड़े हैं ये, हमारे फूफा जी हैं, जी इनका आशीर्वाद था, गार्डियन जैसे हैं हमारे यहाँ पे, ये जी जी बिहार पे, पिताजी तो दिल्ली में रहते हैं बट यहाँ पर ये यही सब कुछ देख रहे हैं, जी मैं हमारे बड़े भाई हैं, इन सब का पूरा सपोर्ट रहा, हमारी सिस्टर हैं, हमारी दोस्त हैं, प्रदीप हैं, शिवांगनी हैं, इन सब का हमेशा से पूरा साथ रहा, बहुत समय से इन सब का ही सपोर्ट, एक तरफ पूरा अपने यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो श्रेय जो है पिता ईश्वर के साथ साथ पूरे परिवार जी का जी सहयोग जी जी मार्गदर्शन जी मिला है। सबका जी अब सामने अमन आनंद जी के फूफा जी भी हैं और फुफेरे भाई भी हैं, इन चाचा चचा जी भी सामने हैं, तो सारे लोग का सहयोग मिलता रहा है। और अपनी सर जो पढ़ाई है, मतलब यहाँ बिहार से ही किए हैं, मतलब इनका नहीं, स्कूलिंग कहाँ से सर हुई? पढ़ाई सब दिल्ली से हुई है, पिताजी वहीं पर दिल्ली सरकार में अध्यापक हैं, तो पढ़ाई लिखाई सब, स्कूलिंग भी वहीं से हुआ है, कॉलेज भी वहीं से हुआ है, फिर जो कॉलेज के बाद फिर तैयारी में आए तो उसके बाद फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक हुआ फिर। चलिए बहुत अच्छा। और आप जो आपके मतलब जो रिजल्ट जब जारी हुआ, तो सबसे सूचना मतलब आपको कौन दिया, और सूचना का जो सूचना है साझा किसको किए, सबसे खुशी किसके साथ साझा किए? सूचना तो हम खुद ही खुद प्राप्त किए, जैसे कि पता था रिजल्ट आने वाला है, सर का हाँ ट्वीट भी आ गया था कि रिजल्ट आने वाला है, तो फोन लेके बैठे हुए थे हाथ में, बार बार ये स्क्रॉल हाँ स्क्रॉल कर रहे होंगे कि टेलीग्राम कब। पे वेट कर रहे थे कि वहीं से पहले आ जाता है, तो वेट करते करते फिर एक बार आया, तो जैसे ही पेज खुला तो पहला नाम दिख गया, तो हाँ। दिख गया तो फिर रोल नंबर मैच किए, तो लगा उम्मीद कि था कि रैंक वन आने नहीं, का। रैंक वन का उम्मीद तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये जरूर था कि पिछले बार अगर 52 आया था तो इस बार 40-30 के आसपास कुछ ना कुछ टक जाएगा, ओ बट अब रैंक वन आ गया तो काफ़ी मतलब शॉकिंग था वो, बट अच्छा तो लगा। बार बार एक होता है ना कि रैंक वन कुछ वेरीफाई मतलब कहीं से सोर्स कर ले, मतलब विश्वास ऐसे लग रहा था कि ये दो मेरा ही तीन नाम। बार रोल नंबर चेक किए अपना, फिर लगा हाँ कि नहीं अब मेरा ही है, सब कुछ ठीक था, रोल नंबर और सब कुछ, तो नाम भी ठीक, तुमको अब नहीं है, चल फाइनली मेरा ही है। तो चल तो उसके बाद जो अपने रिजल्ट का सबसे पहले सूचना किसको, मम्मी सर पापा को कॉल किए, भाई पिताजी को को? फ़ोन किया, फिर मम्मी को कॉल किया, फिर कृष्णा को कॉल किया, फिर तभी सब ऐसा पता लगा सबको। चलिए अच्छा रहा। तो अभी अभी वर्तमान में आप RDO कहाँ जी जी अभी हम पे, ट्रेनिंग RDO हैं मधुबनी में। मधुबनी में? जी जी तो इंटरव्यू में तो अपने जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा कि वर्तमान सेवा में। हाँ, मतलब सेवा से रिलेटेड बस ये सवाल पूछा गया था कि जैसे कि बैकग्राउंड जो मेरा है इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे IT का जो आप काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जॉब से हाँ कैसे आप आप RDO हैं तो ब्लॉक में एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आप कैसे काम करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, कैसे सुविधाओं को लोगों को तक आसानी से पहुँचाओगे टेक्नोलॉजी यूज़ करके, पुलिसिंग में कैसे यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी, तो मेनली था टेक्नोलॉजी बेस्ड था कि टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है तो आप, अगर आपको टेक्नोलॉजी आता है तो आप उसको पब्लिक तक कैसे पहुँचा पाएंगे, चीज़ें आसान कैसे करेंगे, मेरे मोस्ट पूरा इंटरव्यू लगभग इसी चीज़ पे घूम रहा था। आपकी जो है मतलब वर्तमान सेवा जो है आपका, और जो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जी टेक्नोलॉजी को कैसे उस जॉब के साथ बिल्कुल कोरिलेट बिल्कुल करके हाँ, उसी सरकार भी से। उसी तरह पे काम कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर सरकार अब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है ताकि चीज़ें सीमलेस हो जाए, आसान हो जाए चीज़ें, और बिहार सरकार ने बहुत सारे स्टेप रखे इस मामले में लिए हैं, तो इसी ऊपर पूरा लगभग इंटरव्यू था। आपकी कुछ हॉबीज के बारे में बताइए कि। हॉबीज़ तो सर कुछ खास नहीं है, बट
यही एक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानना पड़ते हैं काफ़ी, जो नए नए आते हैं चीज़ें मार्केट में, AI वगैरह के या फिर IoT वगैरह के, तो उसके बारे में जानने के इच्छुक हैं, पढ़ते रहते हैं उसके बारे में कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो यही मेन हॉबी ऐसी यही है। तो अब SDM बन के लोगों को सेवा करेंगे, तो जी कैसा मतलब एक हो रहा है कि भाई अब वीडियो से SDO मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पहले ब्लॉग था, अब सब डिवीजन अब होगा, तो अब उसमें फिर ज़्यादा बड़ा एरिया है, ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कोशिश कर रहे हैं कि अपना पूर्ण अच्छा से बेस्ट दे, अपना ऑनेस्ट इंटीग्रिटी के साथ अपना काम पूरा निर्वहन करें अच्छे से। अमन जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है SDO के तौर पे। अब अनुमंडल, अब ब्लॉक से सीधे अनुमंडल को चलाएंगे। और इसमें कुछ जैसे आपने तैयारी वो कहाँ से किया, क्या बच्चों को सुझाव देंगे? तैयारी हम दिल्ली से किए थे, ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद करोल बाग में रहते थे, वहाँ पर बैठ के तैयारी, रह के तैयारी करते थे। उसी दौरान फिर UPSC का अटैम्प्ट हुआ था, तो उसमें तो सफलता नहीं मिल पाया है, दो दो बार दिए हैं। BPSC का आया था 66 का 2021 में, तो उसके फिर ये वाला हुआ, फिर अगला वाला 67 हुआ। और मेरा बच्चों को बस ये सुझाव है कि लगे रहना है, ये एक साइकिल होता है, मतलब हार कभी नहीं मानना चाहिए। एक बार नहीं होगा ठीक है, अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा अगली बार होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आपको बस साइकिल, एक साइकिल आपको सर्कल से बाहर नहीं निकलना है। बाहर आप निकल जाइएगा तो फिर वो बहुत देर हो जाता है वो। तो कोशिश करना है कि अब जब तक आपका हिम्मत है आप लगे रहिए, जब हिम्मत जवाब दे जाता है तब तो ठीक है, तब अपना आप अल्टरनेटिव पे काम कीजिए, कुछ काम करिए साथ साथ, लेकिन साथ साथ अपना पढ़ाई भी करते रहिए। लेकिन जब तक है आपका स्टेमिना है बिल्कुल लगे रहना है। सफलता ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मिले, सेकंड अटेम्प्ट मिले, हो सकता है लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, अगर लगे रहेंगे तो मिलेगा ज़रूर। देखिए, तो सफलता में जो है आपको अनवरत जो है धैर्य के साथ लगे रहना चाहिए, यही इनकी मूल मंत्र अभी बता रहे हैं अमन जी। तो मतलब जैसे आपकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी इसमें रखा हुआ है, तो जी क्या जी रखा था आपने? सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शन अब था। तो ऑप्शनल हटा दिया गया है, हाँ 67 के बाद ऑप्शन अब हटा तो दिया है, निबंध पेपर किया निबंध गया ऐड है। कर दिया गया। तो मतलब ऑप्शनल से भी कुछ विषय पूछे गए होंगे? ऑप्शनल से इंटरव्यू में दो सवाल पूछे गए थे, एक तो एक बस एक ये था कि एक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में वैल्यूज़ नॉर्म्स के, तो अच्छा, वैल्यूज़ नॉर्म्स और मोड्स में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या डेफिनेशंस क्या हैं, तो ये तो हमें पता था, बता दिए थे। और एक पूछा गया था कि ऑनेस्टी इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल के साथ, तो वो भी गए थे, ये तो गए थे पूरा तैयार करके कि अच्छा, ये पूछा जाएगा। ऑप्शनल से पूरी तैयारी मतलब हाँ आपने कर ऑप्शनल, रखा ऑप्शनल था। से तो जैसे कि ऑप्शनल तो वैसे पढ़ा हुआ है, तो उसमें तो था कि इसमें से कुछ ही पूछेंगे तो जवाब इसका रहेगा। और कुछ एथिक्स के चीज़ हम तैयार पहले कर लिए थे, कि एथिक्स के काफ़ी काफ़ी जोड़ होता है इंटरव्यू पे, तो अलग से GS4 एथिक्स का किताब आता है बहुत सारा, वो पढ़ लिए थे, तो इसमें क्या हेल्प हो गया लास्ट क्वेश्चन में। कुछ सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया था। नहीं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस यही था कि जैसे कि आप अगर वीडियो हैं तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर रहे हैं फिलहाल अपने ब्लॉग में, बस यही मेन, बस बाकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कोई नहीं था। अच्छा, तो अब ये मतलब अब जो है आपके मतलब कौन कौन से कुछ ऐसा मतलब, अच्छा एक प्रश्न बताइए कि अपना अनुभव से इंटरव्यू में लगा कि मतलब कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट हो रहा है? एक बार मतलब कंफर्टेबल बोर्ड मेंबर के साथ था आपका, हाँ, हमारे इंटरव्यू मतलब देने के बाद ऐसा लगा था कि हो ही जाएगा, मतलब कुछ आश्वस्त जैसे थे? कि BPSC में लास्ट टाइम भी हम इंटरव्यू दिए थे, तो लास्ट टाइम भी ये था कि जब इंटरव्यू बोर्ड से बाहर आते हैं तो एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं हमारा इंटरव्यू अच्छा गया है, अच्छा तो गया इस है, बार सेटिस्फेक्शन था पिछली बार से ज़्यादा था। ज़्यादा इस बार ये था। था कि जो हमसे पूछा जा रहा है, जो हम जवाब दे रहे हैं, वो सिंक्रोनाइज था, उन्होंने हमसे पूछा टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़े हैं, तो उसका हम जवाब उनको अच्छे से दे पाए। और लगभग सारे क्वेश्चन का जवाब हम दिए थे, कहीं पर ऐसा नहीं था कि इसको जवाब नहीं दे पाए थे। पिछले बार भी इंटरव्यू अच्छा गया था, पिछले बार दो तीन सवालों में जवाब नहीं आते थे, तो वहाँ माफ़ी मांगना पड़ गया था। लेकिन इस बार तो लग रहा था कि मतलब इंटरव्यू में इस बार एक्सपेक्टेड था कि अभी नंबर तो नहीं आया है, बट सोचे थे कि 80-85+ तो लगभग हो जाना चाहिए। चलिए, इस बार से पिछले इंटरव्यू से इस बार अच्छा परफॉर्मेंस था, तो ये खुद आश्वस्त है। तो मतलब कुछ बताइए कि जिस BPSC की तैयारी करने के लिए बच्चों को मतलब कौन कौन से बुक्स आ जाके, अब तो काफ़ी ऑनलाइन का भी क्रेज रहा है, ऑनलाइन से भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब इस पे बताइए कि मतलब तैयारी की जो है नींव कहाँ से करनी चाहिए, कौन कौन से बुक लगभग कुछ कुछ जो है उसको फॉलो अप करें? देखिए अगर सर कोई फ्रेशर है, मतलब बिल्कुल अनजान आदमी है जिसको कुछ नहीं पता है, वो तैयारी शुरू करने आता है, तो पहला तो उसका बेस बनता है NCERT से। आप क्लास 6 से शुरू, NCERT जो होता है क्लास 6 से लेकर 12th तक का, बीच में 9th 10th का ही छोड़ दीजिए,
उसके बाद आपको पूरा एनसीईआरटी कम से कम आप 6 महीना 8 महीना जो भी लगा के आपको एक बार पूरे से पूरा करना पड़ेगा। एनसीईआरटी जब आपका ख़त्म होगा तो उसके बाद 10-15 किताबें हैं स्टैंडर्ड, जो कि हर सब्जेक्ट किताबें जो स्टैंडर्ड किताबें हैं जो हर जगह मिल जाती हैं, तो उन किताबों को फिर आपको पढ़ना होगा। तो एक बार जब आपका बेस तैयार हो जाएगा तो फिर यूपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो कमीशन एग्ज़ाम होते हैं, इसमें बेसिकली होता क्या है कि चीज़ें पूछी जाती हैं करंट की, आपको उसको स्टैटिक से लिंक करना होता है। तो आपका जब आपका स्टैटिक एक बार तैयार हो गया है, उसके बाद तो फिर आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए और उसको आप स्टैटिक से लिंक करते रहिए, वही आपका एग्ज़ाम है, वही आपका आंसर है। बीपीएससी में भी अगर हिस्ट्री सेक्शन छोड़ दें तो हिस्ट्री सेक्शन के अलावा बाकी जितने सेक्शन आते हैं इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, सब ये रहते हैं कि अब वर्तमान समय में जो बदलाव हो रहा है इकोनॉमिक्स में, उसको आप बस स्टैटिक से लिंक करते रहिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, एक अच्छा आंसर। तो मेरा यही स्ट्रेटजी है, यही स्ट्रेटजी था मेरा। बाकी सुझाव भी यही रहेगा कि जो भी पहले क्या है कि आपको बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये अचानक से लोग लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, अच्छा लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, उनको समझ में नहीं आता है कुछ। ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जो कि सीधा जाते हैं मार्केट में और जो किताबें हैं लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वो उठा, पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी आप पढ़िए, थोड़ा समय लगता है, बोरिंग भी है पढ़ना, उसमें काफ़ी मेहनत लगता है पढ़ने में, बट एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो एक बार एनसीईआरटी का बेस तैयार हो गया आपका, फिर आप बुक्स मेन बुक्स पे आ गए, उसके बाद तो फिर एक बार आपका बेस बन गया, फिर तब कोई नहीं रोक सकता है। फिर तो आप करंट अफेयर्स पढ़ के उसको लिंक करते रहिए, वही आपकी तैयारी है, मेन तैयारी इसी चीज़ की होती है। देखिए, तैयारी का जो मुख्य है वो एनसीईआरटी किताबें हैं, आधार है नींव है। तो पहले नींव मजबूत करने का जो है, अमन आनंद जी बता रहे हैं कि नींव मजबूत करने पे फोकस करना चाहिए। जो सीधे जो है काफ़ी जो हार्ड बुकें हैं जैसे बता रहे, उसको फॉलो नहीं करें, एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ें, उसके बाद जो है हार्ड बुक है और जो करेंट से रिलेटेड करके उसको। तो अच्छा, जैसे आपका मेंस में काफ़ी मार्क्स को वैल्यू करता है, उसी के आधार पर मेरिट होता है, तो मेंस को बच्चों कैसे, मतलब क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन तो लोग ये कर लेता है, मेंस के आप आंसर राइटिंग करने के लिए बच्चों क्या सुझाव? मेंस का कोई भी एक सवाल होता है, जैसे मेंस में क्या होता है कि आपको होलिस्टिक स्टडी चाहिए, पूरा सब्जेक्ट का, पूरा सिलेबस का पूरा पढ़ाई होना चाहिए। अगर सवाल पॉलिटी का है तो जरूरी नहीं है कि उसमें से पॉलिटी कहाँ से लिखना है हमको, उसमें हम इकोनॉमिकल एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं, उसमें हम ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि पहले पूरा सिलेबस जितना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको पूरा एक बार आपका बेस पूरा बना रहना चाहिए। अगर जैसे कि लास्ट टाइम 66वीं में एक सवाल आया था प्रेसिडेंट के ऊपर, तो सवाल प्रेसिडेंट के ऊपर था, तो अब होता क्या है कि हमें एक वर्ड दिखा प्रेसिडेंट, तो हम पढ़ के गए थे प्रेसिडेंट, जैसे बाकी जो जाते हैं प्रेसिडेंट पढ़ के, तो सब प्रेसिडेंट लिख के आ गए कि प्रेसिडेंट का ये आर्टिकल, प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन का डिमांड कुछ और था, क्वेश्चन में था कि एक सवाल, एक स्टेटमेंट था, उसको एक्सप्लेन करना था। तो मेन दिक्कत जो आती है मेंस में कि क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन डिमांड को समझिए, ये नहीं है कि अगर एक वर्ड आपने क्वेश्चन में देख लिया तो आप उस वर्ड पे जो आपको समझ में आ रहा है आप पढ़ के आए वो लिख देंगे, नहीं। क्वेश्चन का डिमांड बीपीएससी किसी भी कमीशन का होता है, वो इतना स्पेस देते हैं और इतना क्वेश्चन अच्छा बनाते हैं कि आप उस 4 पेजों में 5 पेजों में उस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दीजिए, बस उस क्वेश्चन डिमांड को बस पूरा कर दीजिए। कंटेंट आपके पास रहेगा, आप आंसर लिख सकते हैं, कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा, कंटेंट पढ़ने से आएगा। आप पहले अपना पूरा बेस तैयार कीजिए, सब कुछ इकट्ठा कीजिए अपने नोट्स में, दिमाग में, फिर कंटेंट आपके पास रहेगा तो आपको उस कंटेंट को कॉपी में उतारना है, वो काम सेकेंडरी है, वो काम हो जाता है। जैसे कि हम पिछले बार 66वीं में तो हम एक भी आंसर लिख के नहीं गए थे, क्योंकि समय नहीं था उस टाइम, जल्दी से अचानक से नोटिस आ गया, कम समय में अचानक से नोटिस आ गया था कि मेंस है 20-25 तारीख से, तो 20 दिन का समय था, उसमें सब कुछ पढ़ना था, ऑप्शनली पढ़ना था, ये सब पढ़ना था, तो आंसर राइटिंग समय नहीं मिला था। लेकिन हाँ, 20 दिन पूरा जोर लगा दिए थे कि जितना सिलेबस है उसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, बाकी वहाँ जाके दिमाग में चीज़ें रहेंगी तो वहाँ लिख देंगे हम। तो बस वहाँ जाके जो भी क्वेश्चन का डिमांड है आप उसको एक अच्छे से पैटर्न बना के, स्ट्रक्चर बना के उसको वहाँ पर लिख दीजिए आंसर कॉपी में। और एग्जामिनर को वही चाहिए होता है कि जो हम क्वेश्चन का पूछा गया उसका जवाब उसके मिल जाएगा तो नंबर वहाँ मिल जाता है। तो देखिए, मेंस में जो है होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा और क्वेश्चन की जो सबसे क्या पूछता है, क्या डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन में क्या, उसके अनुरूप आपको जवाब देना होगा। तो ये तैयारी के इस तरह के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं। आप मतलब बिहार के छात्रों को मतलब क्या सुझाव देंगे? तो सुझाव मेरा यही रहे कैरियर से मतलब रिलेटेड उनकी मतलब बताइए। जैसे कि अगर जो जो लोग तैयारी कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है, बहुत किसी किसी का बहुत अटेम्प्ट हो गए हैं, जो मतलब असफल हो गए हैं उनको
प्रमुख रूप से क्या अभी मतलब? सर देखिए, मेरा क्या, मेरा ये मानना होता है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, उसके बहुत कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपकी कमी आपकी पढ़ाई में है या फिर कुछ हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम के दिन तबीयत ख़राब हो गया हो, किस्मत लक भी मैटर करता है। तो अगर आप 3-4 साल 5 साल हो गया है तो मेरा होता है कि आप कुछ काम पकड़ लीजिए, साथ साथ तैयारी करते रहिए। अब ऐसा नहीं, ये जैसे कोई बोले कि हम 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा फिजिबल नहीं है। आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है होते हैं, फिर थोड़ा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो अगर आपका 3-4 साल 5 साल हो गया तैयारी में, फिर भी कहीं कमी रह रही है, तो आप एक जॉब पकड़ लीजिए अपने सुविधा अनुसार, अपने लोकेशन अनुसार, और फिर साथ साथ तैयारी करते रहिए अपना। अगर आप अभी यंग हैं, आपके अंदर अभी पूरी एनर्जी है, तो आप लगे रहिए। तो ये हर वर्ग के लिए अलग अलग कंडीशंस हैं, सिचुएशन है। अगर कोई बहुत यंग है, अभी जस्ट ग्रेजुएट है, तो वो तो लगा रहे अभी। किसी का उम्र हो गया है 30 साल 35 30+ साल, तो उसको जरूरत है कि अब ठीक है, तैयारी तो अपनी होती रहेगी और अपना फिर एग्ज़ाम या अपना कुछ साथ साथ काम भी चलता रहेगा। पढ़ाई तो जितनी होनी होती है वो 1 साल 2 साल में हो जाती है, क्योंकि चीज़ें वही हैं, कॉन्स्टेंट हैं, पढ़ना उसी को है बार बार, कोई नई चीज़ें आती नहीं है, तो सिचुएशन आता है। तो जैसे कि हम जो ये वाला मेंस था 67th वाला, ये वाला मेंस तो मतलब हम मुश्किल से 10 दिन भी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग आ गया था हम लोगों का। ज्वाइनिंग आने के बाद फिर पोस्टिंग के लिए मधुबनी जाना, बहुत कुछ मतलब बहुत भागना वरना पड़ गया था, बिपार जाना पड़ गया था। तो बस दिमाग में ये था कि 10 दिन का समय है मेरे पास, तो जो हम पढ़े हुए हैं पहले से वो दिमाग में था, और कुछ चीज़ें नई नई अपनी नई नई चीज़ें पढ़ ली हैं। बस ये था कि वहाँ जाके अपना बेस्ट करना है। थोड़ा सा आंसर राइटिंग थोड़ा चेंज किए थे इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में, तो वो शायद काम हुआ इस बार मेरा आंसर राइटिंग का। आपका आंसर राइटिंग लिखने का माध्यम क्या था? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, तो अब मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग का रहता है कि हिंदी मीडियम के मार्क्स बच्चों को मार्क्स कम देते हैं एग्जामिनर, ऐसा कुछ आपका मानना है क्या? या आप सर नहीं, ऐसा तो इसे माध्यम कहीं मैटर करता है तैयारी में? सर माध्यम मैटर, जैसे कि इस बार तो टॉप 10 में भी हिंदी मीडियम के छात्र आए हैं, रैंक 9 10 टॉप हिंदी मीडियम के हैं। तो सर मैटर जो मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम में बस एक दिक्कत जो ये होती है कि अभिव्यक्ति की दिक्कत होती है। अगर मुझे कोई चीज़ पता है इंग्लिश में, उसको मैं हिंदी में ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो जैसे कि कोई भी टॉपिक, अगर राष्ट्रपति के ऊपर ही मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की है, तो अगर मुझे कोई चीज़ को हिंदी में लिखने बोलेगा, तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा मैं एग्जामिनर को अपनी जो भी मेरे थॉट प्रोसेस है उसको मैं समझा नहीं पाऊँगा। तो वहाँ थोड़ी सी मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी कमी आती है हिंदी में, वरना वैसे बिहार में तो लगभग हिंदी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इस बार हिंदी साहित्य का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। हिंदी साहित्य, हिंदी से भी काफ़ी बच्चे इस बार हिंदी माध्यम से सफल हुए हैं। तो माध्यम का कोई ज़्यादा बहुत विशेष तवज्जो नहीं है, जो छात्रों में एक डर बनी रहती है कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को मार्क्स ज़्यादा मिलता है, हिंदी वाले को कम मिलता है, तो ये बात बिल्कुल वैसा नहीं है जो ऐसा बनाया गया है परसेप्शन। सामने हमारे फूफा जी बैठे हैं, अमन आनंद जी के, तो आप बताइए कि मतलब भतीजा लगेंगे तो इनकी सफलता पे आप मतलब कैसा देख रहे हैं, खुश हैं? बहुत अपार खुशी है, आपके चेहरे से झलक रहा है अंदर से काफी, क्योंकि इनके जो माता पिता है जी, उसके बाद यदि ज्यादा खुशी है जी तो हमें हुआ है जी, क्योंकि इनका ज्यादा नजदीकी है हम, इनका संबंध हमसे, और बहुत खुशी हुआ ये रिजल्ट के बारे में सुनकर। और ये कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी के तो मेहनत करना ही होता है, पढ़ना तो उसी को होता है जी, लेकिन उसके साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका उसके अभिभावक का भी होता है। खास करके अमन जी के लिए इनके पिताजी के बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम देखे हैं पढ़ते थे अमन जी, लेकिन उनके पिताजी भी साथ में बताते बताते जब तक थे मैट्रिक लेवल तक के वो पढ़ाए, क्योंकि खुद शिक्षक थे, लेकिन उसके बाद इनको पढ़ाते नहीं थे, लेकिन गार्डिंग वो खुद रह के जिसका परिणाम है कि आज रिजल्ट। अभिभावक ही, अब अभिभावक छोड़ देते हैं स्टूडेंट के, वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है नहीं, वो तो पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है, जिस बच्चा को समझ है या उसके प्रति वो जागरूक हो गया कि हमको पढ़ना ही है, तो उस पर जुनून हो गया पढ़ने के प्रति, तो फिर उसके लिए कोई मम्मी पापा कहीं भी रहे उसके लिए कोई मायने नहीं है। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में गार्जियन को ध्यान देना चाहिए विद्यार्थी पर, वो क्या कर रहा नहीं कर रहा वो ठीक है, लेकिन उनके नज़र में रहना चाहिए कि हमारा बच्चा पर, अगर जो शुरू में अनुशासित अगर रहे
तो उसका परिणाम ये हो सकता है। देखिए फूफा जी एक शिक्षक हैं, इनके पिताजी भी शिक्षक हैं, वे दिल्ली में हैं अभी वर्तमान में, वहाँ दिल्ली में पढ़ा अध्यापक हैं। तो फूफा जी का कहना है कि बच्चों को जो है अनवरत जो है एकदम प्रारंभिक रूप से जो है गाइडेंस में एकदम नजर रखते रहना चाहिए, बच्चों को छोड़ नहीं देना है, उनको प्रॉपर गाइडेंस करते रहना है। और इन लोग की इनकी सफलता में काफ़ी योगदान है क्योंकि इनके पिताजी और फूफा जी शुरुआत से जो है गाइडेंस रखे हुए हैं, साथ में चाचा जी भी बैठे हैं। आप कैसे देखते हैं भतीजा के सफलता पर? सर जी भी शिक्षक हैं। अरे सर भी शिक्षक हैं, अब मतलब एक शिक्षक जो है अपने मतलब छात्रों को और भतीजा के भविष्य तो निर्माण कर ही दिए और छात्रों का भी भविष्य का जो है निर्माण कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इनकी सफलता पे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है, बहुत खुश हैं, अपार खुश हैं हम लोग जी। और इनकी सफलता जो है, कल मान लीजिए हम लोग विद्यालय में थे जी, तो विद्यालय से आए और फेसबुक देख रहे थे जी, तो एक झलक में इनका मतलब फोटो दिख गया है। उसी समय बहुत ही मतलब अपने देखिए रोमांच हो आ गया कि इतनी बड़ी सफलता जो है जी हमारे पास आ गया है। तो हमने संपर्क करना चाहा तो फिर सुबह बातचीत हुई, इनसे मुलाकात भी, और बहुत खुशी है। और ये बचपन से ही मेधावी थे, बचपन से ही मेधावी थे, अनुशासित थे, और पिताजी भी बहुत ही अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, जिनका की परिणाम आज हम लोगों के बीच में है। तो अनुशासन मतलब छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए ये मायने नहीं रखता है कि आप 20 घंटा पढ़ते हो, मतलब आप अनवरत पढ़ें, 6 घंटा ही पढ़ें, 8 घंटा ही पढ़ें, और एक अनुशासित, क्योंकि एक स्टूडेंट का काम क्या है, उसका काम ही है सिर्फ पढ़ना और शिक्षा अपना ग्रहण करना है, ग्रहण करना। जैसे जैसे आपका स्टेज बढ़ते जाता है, प्राइमरी में है तो आपके साथ खेलना भी आवश्यक है, मिडिल में आप गए उस समय भी खेलना आवश्यक है, लेकिन उसके बाद जो है सिर्फ आपका काम रह जाता है। तो वो इनमें बचपन से ही था, तो थोड़ा दूर रहे है ना, क्योंकि ये बीच में मतलब पढ़ाई करने बाहर चले गए, वही पिताजी की जॉब हुई और उनके साथ ही, और वहाँ के बाद जो है फिर अपना, तो बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा लगा। चाचा जी का कहना है कि जो है अनवरत पढ़ाई जो है कांस्टेंट के साथ साथ कंटिन्यूटी बनाए रखना है इसमें, और अनुशासन सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। तो चलते चलते अंत में हम अमन आनंद जी से जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो है बच्चों को दे दीजिए। सबसे पहला टिप क्या, कितना पढ़ना चाहिए, कितना घंटा, तैयारी माध्यम जो है एक बता दीजिए उनको कि आपको फॉलो करें लोग। सबसे पहला तो यही है कि कोई भी एग्जाम होता है, चाहे सिविल सर्विसेज का हो या कोई और एग्जाम भी हो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को अच्छे से जानना चाहिए। सिलेबस का है क्या, उस एग्जाम का डिमांड क्या है, पढ़ाई फिर उसी हिसाब से की जाएगी। तो सबसे पहला काम है सिलेबस को एनालाइज करना, उसकी स्टडी करना। उसके बाद जो सबसे बड़ा हथियार है वो है प्रीवियस ईयर। किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर सबसे बड़ा वेपन होता है। बीपीएससी में ही प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा योगदान था, मेरे लिए तो स्पेशली था, कम समय में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसका आइडिया प्रीवियस ईयर से लगता है। उसके बाद ये जब आप इन दोनों चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद तो जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उसको आप पढ़िए। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लगन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घंटे कभी नहीं गिनना है कि हम आज 10 घंटे पढ़ लिए तो कल हम आराम करेंगे, या फिर ये नहीं, आप 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए कंसिस्टेंटली पढ़िए। बाकी तो डेडिकेशन रहना चाहिए, सिंसियरिटी रहना चाहिए। सफलता तो जरूर आएगी अगर ये सब चीज़ आपके अंदर रहेगी तो, कोई नहीं हो सकता है। किस्मत कभी कभी होता है कि लक फैक्टर काम करता है, बट लक फैक्टर भी एक समय कहता है कि नहीं यार इसका कराना ही है सिलेक्शन, तो बिल्कुल होगा, सब बिल्कुल जरूर होगा। तो ये सफलता का जो है आपको पथ प्रदर्शक बता दिए कि कैसे तैयारी करना है और क्या क्या चीज़ें को सिविल सर्विसेज में किन किन बातों को बारीकियों से एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए। तो आज अब आपसे फिर मिलेंगे, आपके हमेशा ये गाइडेंस करते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।